भाइयों बहनों बुजुर्गों सबको अस्सलाम वालेकुम। मंच पर बैठे हुए मेरे भाई और लोकल एमएलए कालेर वेंकटेश साहब और आज के इस जलसे का चीफ गेस्ट और हमारे बड़े भाई एक्स होम मिनिस्टर महमूद अली साहब और हमारे और एक भाई साहब हमारे खास दिल के अजीज भाई साहब सोहेल भाई साहब वेंकट रेड्डी साहब विजय कुमार गौड़ साहब मोहसिन साहब जाफर साहब सलीम भाई अफरोज भाई और हमारे पद्मावती डीपी रेड्डी जी पद्मावती वेंकट रेड्डी जी यूसुफ जी मालिक जी अतीक जी उनका बर्थडे आज सब लोग तालियों से उनका बर्थडे आप सबको तो पहले से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इतने रात होने के बावजूद भी आज आप लोग यहां पर शामिल हैं, इससे यह मालूम होता है आप किस तरीके से बीआरएस पार्टी को प्यार मोहब्बत जताते हैं, साथ ही साथ में हमारे कालेर वेंकटेश भाई को भी प्यार मोहब्बत कैसे देते हैं ये मालूम हो रहा है। मेरे भाई और बहनों जिस जोश से जिस जज्बा से आप यहां पर आके बैठे हैं फोर्स से बाहर जाना बोल के ये जो है सो जलसा ऑर्गेनाइज किया गया है। 13 तारीख एक इम्पॉर्टेंट डेट है अपने जिंदगी में, ये डेट ऐसी डेट है सेक्युलरिज्म को बचाने की डेट है, ये डेट ऐसी डेट है मोदी जो टिकते थे उनको एक सबक सिखाने वाली डेट है, ये डेट ऐसी डेट है रेवंत रेड्डी जैसे झूठी झूठे नंगा हंकारी लूट लुटेरा उनको एक बड़ी सी बड़ी सबक सिखाने वाली 13 तारीख है। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों सोचिए 13 तारीख के दिन वोट किस पर डालना जरा गौर से सोचिए। एक बात सोचिए 10 साल पहले मुख्यमंत्रियों को बदलने के लिए गंदा प्रचार करने वाली पार्टी आज आके हमारे को वोट डालो बोल के मांग रहे। एक बात सोचिए कि गंगा जमुना तहजीब का घर है तेलंगाना, तेलंगाना का विशाल है गंगा जमुना तहजीब, ऐसी गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखने के लिए ऐसी गंगा जमुना तहजीब को कायम करने के लिए तो ऐसा केसिया साहब जिद्दोजहद कोशिश किया है सेक्युलरिज्म को बचाए। इसी वजह मेरे भाई और बहनों 10 साल करके लिए फसाद नहीं हुआ, 10 साल के मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं हुआ, 10 साल हमारे मौलियों का हिफाजत हुआ, हमारे मौजों का हिफाजत हुआ, हमारे मस्जिदों का हिफाजत हुआ, हमारे मदरसों का हिफाजत हुआ, हर काम के ऐसा हमारे काम के ऐसा कितने भी मुसलमान भाई बहनों उन सबका भी हिफाजत हुआ। ऐसे शख्स को वोट डालना या नहीं तो बीजेपी जो मजहब के नाम पर सियासत करते हुए लोगों को बंटवारा करते हुए अपनी गंदी सियासती के लिए जो है सो देश को तोड़ मरोड़ करने की कोशिश कर रहे, संविधान को तोड़ मरोड़ करने की कोशिश कर रहे, वैसे बीजेपी को वोट डालना सोचना चाहिए। तीसरा अभी कंटेस्ट में है सो कांग्रेस पार्टी हमारे रेवंत रेड्डी साहब की सदारत में, मैं उनके बारे में दो चार बात बोलना चाहता हूं। अगर हिन्दुस्तान में कोई झूठा मक्कार अहंकारी लुटेरा आदमी आज मुख्यमंत्री बैठा है तो वो है रेवंत रेड्डी। कितने वादा किया है अपने को गुमराह किया है, आज हर चीज की बात किया है, जिस गारंटी बोला ये डिक्लेरेशन वो डिक्लेरेशन बोला, आज पेंशन नहीं आ रहा हमारे को, शादी मुबारक में हमारे को सोना नहीं आ रहा, आज हमारे किसानों को ऋणमाफी नहीं हुआ, आज हमारे किसानों को रैत भरोसा नहीं आया, आज हैदराबाद में 10 साल के बाद पानी के लिए परेशानी झेलना पड़ रहा है, आज हैदराबाद में करंट के लिए परेशानी झेलना पड़ रहा है हमारे भाइयों को बहनों को, ऐसी मुसीबत आज कांग्रेस के सरकार के दौरान आए हैं। और एक खासतौर मोदी और हमारे रेवंत रेड्डी दोनों भी मिल चुके हैं, इसी वजह से मोदी को बड़े भाई बोलते हैं। जो आदमी मोदी को बड़े भाई बोलता है उनको वोट डालते क्या? जो आदमी अदानी जैसे आदमी मिलाकर हजारों करोड़ रुपए देते हैं उनको हम वोट डालते क्या? जो आदमी गुजरात बोर्डर ठीक है जहां पर दंगा फसाद का गांडा होते हैं वहां पर वो गुजरात बोर्डर ठीक है बल्कि होने वाले को वोट डालते हैं क्या? एक बार मेरे भाइयों और बहनों ये जो जंग हो रही है कांग्रेस पार्टी तीसरी पोजीशन पे है, जंग है बीआरएस और बीजेपी को। अगर गनीमत में इससे पहले मेरे भाइयों बताए गनीमत में आपकी वोट दानव महेंद्र की तरफ गया तो वो उसी में गया, उसका वजह उसे ये भी हो सकता है कि बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो एक बार फिर से जिस तरीके से पिछले बार किशन रेड्डी साहब को यहां पर हराए हैं उसी बार हमारे कालेर वेंकटेश साहब का बाजार को बरकरार रखने के लिए
मेरी गुजारिश से सिर झुक के आपको गुजारिश पेश कर रहा हूं कि हमको टीआरएस पार्टी को वोट दीजिए। अठारह साल एक अच्छा एक इंसान है, कैसे अच्छा आपको आप मदद कीजिए, ये मेरा तहदिल से आप लोगों को गुजारिश है, मुझे एक मौका दिया गया। मेरे बहनों भाइयों सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सदर जलसा हमारे अफरोज भाई साहब और आपके हाजिर अजीज एमएलए साहब, जिसको आप बार बार जिताना चाहते हैं, जीता के लाए कावेरी कालवेरी विकेटे साहब, और आपके इंचार्ज जाकर हमारे शर्मा साहब, सोहेल भाई साहब, विजय कुमार साहब भी फोटो विकेटी साहब, पद्मा डीपी राधा साहब, अनिल साहब, जफर साहब, यूसुफ साहब, मोहसिन साहब, मलिक भाई साहब, और जो भी लोग बेंच पर बैठे हुए और आज की इस मीटिंग पे आए हुए मेरे भाइयों पर दो मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में दो लोग हैं जो झूठ की बुनियाद पर हुकूमत कर रहे हैं, एक पहले नंबर बड़े भाई है मुफ्ती साहब है, दूसरे नंबर छोटे भाई है तो आपके हमारे चीफ मिनिस्टर है। ये लोग हमेशा झूठ की बात करते हैं। रेवंत रेड्डी ने जो वायदे किए हैं छह गारंटी झूठ बोलकर अख्तदार भरा है, वो कुछ नहीं किया मुसलमानों को। कांग्रेस यहाँ पर 50 साल और अपनी हुकूमत कर चुकी है, पर कभी मुसलमानों की फला नहीं चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, सब लोग हमारे सोहेल भाई को जानते हैं। सोहेल भाई 14 साल कांग्रेस में काम किए, आखिरकारों ने उनकी हरकतों को देखकर नफरत से पार्टी को छोड़कर आए, और आपका और एक भाई 14 साल पार्टी में काम किया तो उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का होता देने वाले बेस किया था। ये इंसाफ करने वाली पार्टी है बीआरएस पार्टी। इंसाफ में मुसलमानों को जो हुकूमत दिए, मुसलमानों को जो राइट दिए, हिंदुस्तान की कोई पार्टी नहीं दिए। भाई मेरी बहनों से पूछता चाहता हूँ, ये छह गारंटी में एक भी काम किए? रेवंत रेड्डी कहते हैं कि हम 5 गारंटी कम्प्लीट किए। अरे भाई 6 गारंटी में एक भी मेरे बहनों को 2500 वजीफा देने की बात की गई है, एक पैसा भी नहीं दिया गया। मेरे बहनों को 5500 रुपए में सिलेंडर देने की बात की, एक को भी नहीं दिया गया। मेरे बहनों को 200 यूनिट करंट माफ करने की बात की, कुछ नहीं की। हमारे बुजुर्गों को 4000 पेंशन देने की बात की, और उन्होंने माइनॉरिटी बजट 4000 करोड़ों की बात की, पर कोई अमल नहीं किया। यही बताना चाहता हूँ, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इन पर भरोसा मत कीजिए। ये नागेंद्र एक बाली लीडर है हमारा, वोट काटने के लिए नागेंद्र को डरा गया है। ये अंदर से साजिश है, रेवंत रेड्डी साहब मोदी साहब से मिले हुए हैं, वो चाहते हैं कि किसी भी तरह बीआरएस पार्टी ना आए, बीजेपी आए तो बेहतर है, कोई बात नहीं है। उनकी फांसी है, उनकी फांसी के अंदर कई जगह टीपी कैंडिडेट ठहरा कर मुसलमानों के वोट काट कर बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं। देखने में तो एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं मोदी साहब चौकीदार है, चोर है चौकीदार, चौकीदार ऐसा है, दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी मोदी साहब की तारीफ करते हैं। मेरा बड़ा भाई है, मैं उनके रस्म का रेस्पेक्ट करना चाहता हूँ, उनका गुजरात मॉडल लाकर डेवलप करना चाहता हूँ। इसलिए मेरे बहनों मेरे भाइयों आपकी वोट की बड़ी अहमियत है। आप जानते हैं पद्मराव बहुत अच्छा कैंडिडेट है, इतने सेकुलर कैंडिडेट है, जैसा आपके कावेरी विकेटेड साहब है, आप जो बता चुके हैं मेरे पहले भी मेरे भाइयों ने, आपके पास कब्रिस्तान की जगह का बड़ा चार्टर था। मैं खुद इनॉग्रेशन में आया था, उन्होंने केटीआर से जाकर झगड़ा कर किसी भी तरह ये जमीन मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए अलर्ट करना चाहिए, उन्होंने अलर्ट करवाया। इसी तरह पद्मराव साहब भी जीत जाएंगे तो दोनों मिलकर आपकी कार्यक्षेत्र को काफी डेवलप करेंगे। किशन रेड्डी साहब की बात करता हूँ, कभी आपके बीच में आएगा पूछना चाहता हूँ, कभी नहीं है आपके बीच में, कभी आपकी तकलीफ देखेगा पूछना चाहता हूँ, कभी एक पैसा बजट लाकर आपकी तकलीफ पर खर्चा करने वाले का मैं पूछना चाहता हूँ। इसके बरखिलाफ बीआरएस का कैंडिडेट आपके बीच में रहेगा, पद्मराव आपके बीच में रहेंगे, आपकी हिम्मत करेंगे, दोनों के बजट से और भी अपना पेट तरक्की कर सकता है। मेरे भाइयों बहनों ये हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे कुछ लोग सोहेल भाई पूरा बता चुके हैं, कांग्रेस की तारीफ की बात करते हैं, आप जरूर कीजिए, यूपी में तारीफ कीजिए, यूपी में मुसलमानों की दाढ़ी काटी गई, मुसलमानों पे जुल्म किया गया, पर हमारी स्टेट में केसीआर साहब ने जिस तरह हमें फाइट किया है, यहाँ पर हमें गंगा जमुना तहजीब से मिलजुल के हम लोग रहे। केसीआर की तरह लीडर हिंदुस्तान में नहीं, अरे बीजेपी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, बीजेपी को रोकेंगे,
दिल्ली में हुकूमत बनाने के रुकेंगे, जो फ्रंट रहेगा सेकुलर फ्रंट रहेगा उसकी तारीफ करेंगे। हमें बदनाम क्या करना है, हो सकता बीजेपी की सपोर्ट करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इसलिए मैं एक बात बता के बात खत्म करता हूँ। 2001 में हमारी पार्टी बनी थी, 2004 में हमने कांग्रेस से अलायंस किया था, उसके बाद 2009 में तेलुगु देशम से अलायंस किया था, उसके बाद 2014 में इलेक्शन आया हम इंडिपेंडेंट लड़े, फिर 2018 में इलेक्शन आया हम इंडिपेंडेंट लड़े, 2023 में इलेक्शन आया हम इंडिपेंडेंट लड़े। हम कभी भी जिंदगी में चंद्रबाबू नायडू की तरह बीजेपी से अलायंस करके बीजेपी की मुखालिफत करने वाले जो लीडर है वो केसीआर साहब जानते हैं। कभी भी केसीआर साहब मोदी साहब को रिसीव करेंगे बताइए, पांच साल में एक बार भी एयरपोर्ट जाकर रिसीव नहीं किए। एक प्रोटोकॉल होता है, प्राइम मिनिस्टर आता है तो चीफ मिनिस्टर रिसीव करना पड़ता था, उन्होंने कभी नहीं किया एक बार भी। यही चीफ मिनिस्टर जाकर क्या गए अहमदाबाद में जाकर उनको इस्तेमाल किए, करने के बाद गए कि मोदी साहब मेरे बड़े ही भाई है, वो कह रहे हैं रेवंत रेड्डी कह रहे हैं मेरे बड़े भाई है। गुजरात का मॉडल बहुत अच्छा है, एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं मोदी साहब बेहद खराब चीफ प्राइम मिनिस्टर है, वो फिर्जापरस्त आदमी है, फटकिला प्राइम मिनिस्टर है, एक तरफ रेवंत रेड्डी कहते हैं बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर है, उनके लक्ष्य कदम पर चलना है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों वोट तस्लीम मत हो लीजिए, आपका वोट एक भी राजेंद्र को जाएगा ना डेफिनेट हो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। आपके जो होने वाले एमपी है पद्मराव सब बहुत अच्छे इंसान है, बड़ी मेजारी से जीतेंगे भी हो मगर आपकी तारीफ की जरूरत है, वो जीत जाएंगे ना सिकंदराबाद एरिया बदल जाएगा, सिकंदराबाद में बहुत बजट आएगा। किसान रेडिया का बजट, उनका जो एमपी लैंड का बजट होता है 5 करोड़ का, वो भी इस्तेमाल नहीं किया है, 17 करोड़ को तो लैंड हो चुके होंगे। आप एक बार ला लीजिए, आप देखिए किस तरह आपके कार्य से आएंगे, अन्ना भाई के साथ कन्या के साथ अगर गली गली फिरेंगे और आपकी पार्टी के बारे में सोचेंगे। आज के लोग गैरसरी कहते हैं कि कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए, कांग्रेस 50 साल में हमको बर्बाद करने वाली पार्टी है तो कांग्रेस है। एक ही बात बताना चाहता हूँ हमारे भाई से, आप रेजिडेंशियल स्कूल छोटी मिसाल देना चाहता हूँ, कांग्रेस ने 50 साल में सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल बोले थे जिसके अंदर